ज्यादा तेज हवा, ऊपर से बारिश, मतलब भयानक वाला मौसम। तो बारिश में आंसू देखो ना रही है, क्या है यार। नमस्ते नमस्ते। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। और गाइस अभी मैं एक्चुअली दार्जिलिंग टाउन जा रहा हूँ, और आप लोग को पता है जाम, मतलब जाम में फंसे हुए हैं अभी हम। तो गाइस ऑन द वे में, मतलब गाड़ी में ना कुछ प्रॉब्लम आया है। तो गाइस अभी दो तीन दिन ये हुआ, मैंने इसका फर्स्ट सर्विसिंग किया, 1000 किलोमीटर्स हो गया था अपना थार का। और अभी देखो यहाँ पर एक पता नहीं कुछ बीप हो रहा है, टीट 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 कर रहा है, एंड यहाँ पर सिंबल दिखा रहा है। ये देखो यहाँ पर सिंबल दिखा रहा है, एंड यहाँ पर रीजिन बोल के आया है, पता नहीं क्या है। तो इसका क्या दिक्कत है अभी सर्विस सेंटर, देखो ये आवाज़ सुनाई दिया। हाँ, ये आवाज़ कर रहा है गाड़ी में। तो अभी सर्विस सेंटर फ़ोन करके मतलब पूछना पड़ेगा क्या है। तो अभी मैंने YouTube में तो देखा, YouTube में बताया कि मतलब ये फिल्टर ब्लॉक है, फिल्टर का ब्लॉक होने के कारण ऐसा होता है। ओए अभी सिंबल हट गया, पता नहीं क्या है ये। तो देखो गाइस अभी चलाते चलाते फिर से सिंबल हट गया। ओए गाइस अपने आप ठीक हो गया गाइस, गाड़ी तो चलाते चलाते अपने आप ठीक हो गए। देखो सिंबल विम्बल सब हट गया, एंड साउंड भी हट गया गाइस। अभी मैंने सर्विस सेंटर में फोन करके पूछा ना, तो उन्होंने बताया कि ये जो अपना थार है ये डीजल वाला है। सर्विस सेंटर वाले ने बताया कि ये जो BS6 डीजल गाड़ी में है ना, ये DPF बोल के मतलब डीजल फिल्टर होता है, अगर वो ब्लॉक होता है तो ऐसा सिंबल आता है। तो उन्होंने बोला कि हाईवे में अबव 60 किलोमीटर स्पीड में थोड़ा देर भगाएंगे तो वो ब्लॉक खुल जाएंगे। अपना गाड़ी का डीजल जाम हो गया है, एंड यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया है, एंड सर्विसिंग वाले बोलते हैं कि गाड़ी भगाओ। तो अभी यहाँ पर 60 किलोमीटर स्पीड में मतलब कैसे भगाए, देखो अभी 20 किलोमीटर स्पीड में ही नहीं भाग रहा है गाड़ी ऐसे जाम में। अब बोलते हैं कि 60 किलोमीटर के स्पीड में भगाओ। तो गाइस मैंने तो ऐसे स्पीड में भी नहीं भगाया, ऐसे जाम में ऐसे बिलो 20 के स्पीड में जा रहा था, अपने आप खुल गया शायद। देखो ठीक हो गया गाड़ी, तो कुछ चमत्कार हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं कन्फ्यूज कर रहेगा इस में थार। फिर भी आज एक चीज के बारे में पता चला, DPF अगर रास्ते में ये प्रॉब्लम आएगा तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल गया ना। जब हम यहाँ पर दाढ़ी बना रहे हैं यहाँ पर भैया के, यहाँ पर काफी दिन के बाद आए हैं। और दिन के बाद ईद वीद कैसा हुआ? ईद अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। अब आ रहा है बकरीद, अब बकरीद आ रहा है, 29 का बकरीद है। बकरीद मानने के लिए तो अभी इधर ही मानना पड़ेगा ना। सो गाइस यहाँ पर काफी दिन के आए ना, एंड भैया जी मेरा ब्लॉग देखना ही छोड़ दिया, एंड बोल रहे कि दुबई जाके आए आप। मैंने फिर मैंने दुबई वाला पुराना ब्लॉग दिखा रहा हूँ, और पूरा दुबई का सीरीज देखने में बहुत मजा आएगा। जी जी, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा आप भी दुबई पहुँच के आ गए। सो गाइस अभी देखो भैया ने एकदम हैंडसम बना दिया मुझे, सिर्फ शेक मिला था, फ्रेंच फ्राइज भैया। थैंक यू गाइस, अभी घर वापस जा रहा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम ऐसा हो गया है, हल्का सा बारिश का छींटे आ रहा है, एंड पूरा कोहरा ही कोहरा है। अपना गाड़ी का जो सुबह प्रॉब्लम हुआ था ना, कुछ एरर आया था डैशबोर्ड में, वो भी अपने आप ठीक हो गया गाइस। कभी कभी ना इंसान का भी ऐसा होता है ना, बीमार होते हैं फिर अपने आप ठीक होता है बिना दवाई खाए, तो गाड़ी का भी कभी कभी ऐसा होता है शायद। आज मैंने एक्सपीरियंस किया, मतलब कुछ एरर आया था वो अपने आप ठीक होता है, मतलब चलते चलते, तो सही बात है। चलो अभी दार्जिलिंग का मौसम इस तरह सा है, मैंने सुना है गाइस दिल्ली मुंबई कोलकाता हर जगह गर्मी 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 है, एंड दिस इज द प्लेजेंट वेदर हियर इन दार्जिलिंग। आमने सामने रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो गाइस अभी फाइनली हम पहुंच गए घर, एंड ना गाइस देखो इतना ज्यादा फॉग लगा हुआ है मौसम, और अभी गाइस बारिश का मौसम आ गया है। एंड शुक्र है गाइस आजकल ना दिन में बारिश नहीं हो रही, सिर्फ रात में बारिश हो रहा है, तो रात में बारिश होगा तो नींद भी अच्छा आ जाएगा, एंड दिन में मतलब बारिश की वजह से डिस्टर्ब भी नहीं होगा। बर्फी आई, बर्फी बर्फी गाइस, ये बर्फी का फेवरेट डॉग बाइट्स। सिट सिट सिट, 1 2 3 बर्फी मुझे दे दे भाई। हमारा नया वॉशरूम का अपडेट दे रहे थे आज, टाइल्स वेल्स लग के एकदम लुक्स बहुत अच्छा आया है, लेकिन यहाँ पर देखो मेसी हो रखा है। मम्मी जी हेलो, क्या हो रहा है? हाय नमस्ते सबजन, नमस्ते। मैं ये देख रहा हूँ इधर में। सो गाइस अभी देखो कैसे हुआ, हमारा वॉशरूम का टाइल्स लग गया एकदम ऐसा डिजाइन वाला, बहुत ही अच्छा हुआ। देखो यहाँ पर अच्छा हुआ मम्मी, ये मम्मी मम्मी का चॉइस टाइल है, मम्मी का मम्मी ने चॉइस किया था टाइल्स, अच्छा है मम्मी, मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए कैसा? मेरे लिए भी अच्छा है। ये टच देखते टॉयलेट करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा गाइस। हेलो गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे, एंड गाइस अभी देखो मौसम कितना
खराब हो गए गाइस। देखो गाइस बारिश बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है अभी। देखो देखो बारिश हो रही है, बारिश बारिश बारिश, बादल गरज रहे, बारिश हो रहा है गाइस। इससे पहले तो इतना ज्यादा तेज हवा चल रहा था और ना पूरा मतलब बहुत ज्यादा तेज हवा, ऊपर से बारिश, मतलब भयानक वाला मौसम था। और अब देखो बादल भी गरज रहे। ओ भाई साहब देखो अंदर अंदर तक बारिश आ रहा है अभी हवा के वजह से। ओ यार बाप रे बाप, मौसम हुआ खराब। एक मिनट क्या हुआ? ला और देखो गाइस अभी ना हवा और बारिश दोनों एक साथ में आ रहा है और हमारा खीर और गाइस देखो यहाँ पर फूल गिर गया है यहाँ पर ऊपर से। और गाइस इतने ठंडे मौसम में बारिश में आंसू देखो ना रही है, क्या है यार, कपड़े भी धोना है। और ये बाप मम्मी खाई, मम्मी अभी क्या कर रही है इस फूल का? हाँ नीचे भूमा। त्यो त पटको छोडिदिन न, त्यो छोडिदिनु, बगाइदिनु। डल्लो भिजेको पछाडि सो गाइस अभी देखो मौसम फिर से हो गया, अच्छा बारिश रुक गया एंड देखो कितना सुहाना लग रहा है ना। ये देखो नीचे एकदम बहुत ही अच्छा मौसम हो गया अभी, बारिश बारिश हैवी बारिश होने के बाद एकदम क्रिस्टल क्लियर लग रहा है अभी व्यू, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत है ना गाइस। बारिश में मैं भी थोड़ा बहुत सो गया एंड सो के अभी उठ के मतलब अच्छा लग रहा है। एंड हमारे बर्फी भी सोया था, बर्फी बर्फी। देखो टी ब्रेक हुआ है घर पे, सब लोग चाय वाय पी के अभी गप कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे बर्फी भाई भी है, चाय असु के लिए चाय नहीं है। और गाइस ये देखो ये है असु का फेवरेट झोला, ये झोला में शॉपिंग करने जाती है गाइस। असु बोलते है ये सबसे लकी झोला है एंड शायद आप लोगों को पता है ये झोला मैंने कहाँ से ले आया है। मैंने एक सब्जी वाला मिला था दार्जिलिंग मार्केट में, पूरा सब्जी खरीद के झोला के साथ लेके आया था, तब से असु ये झोला लेके घूमते फिरती है। देखो हेलो आंटी जी, हेलो आज संडे, आज संडे सो गाइस एक्चुअली आज संडे ना, मैं मतलब नानी माँ के घर में जाने का दिन था और मामा जी को साफ सफाई करने का दिन था, लेकिन मौसम की वजह से आज नहीं जा पाया तो अभी मैं जा रहा हूँ ठीक है। एंड नानी माँ का फेवरेट तो यही है, क्या बोलते हैं, गाजर, गाजर लेके जाना है गाइस। ये नानी माँ का फेवरेट गाजर लेके जाते हैं एंड यहाँ पर ठुलिया भी आए, सब लोग बात बातें कर रहे हैं। ये कुछ कपड़े थे मामा जी के लिए लेके आया था तो ये भी पहुंचाते हैं अभी। गाइस अभी देखो मैं पहुंच गया पर नानी माँ के घर में, नानी माँ देखो सब लोगों के साथ बातें बातें कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे नानी माँ नमस्ते भन्नु दामी है, ये तो नमस्ते भन्नु, अलि कान कम्ती सुन्नु, नमस्ते भन्नु न, नमस्ते नमस्ते, अलि कान कम्ती सुन्दै छ ए नानी, कान अलि त सुने तर कान कम सुनाइ देता है इसीलिए। आपको नानी मैगम नमस्ते नमस्ते, धेरै दिनमा नमस्ते नमस्ते, खुशी भयो एकदम। गाइस नानी मैया अब खाना वाना बना रहे हैं, मामा जी उगा रहे हैं, ल मामा जी उगा रहे हैं, हेरौं त हेरौं के मामा जी के बनाए खाना, सब्जी में आलु ए धन्न डोर्नु त डोरेन रहेछ फेवरेट नानी मैको आलु फेवरेट। सो गाइस आज हमारे रमेश मामा है नानी माँ के घर में और खाना बनाने के लिए कर रहे, हेल्प कर रहे हैं। देखो नानी माँ का फेवरेट गाजर है ना, हमेशा मैं गाजर लेके आता हूँ।
यहाँ पर मुझे फ्रेश फ्रेश गाजर दिखाई देता है, वही नानीमा का याद आता है। फिर नानी मतलब एक मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत करके ऐसे लेके आता हूँ ना, तो ये अभी आलू में डाल के खाती है, वो जो आलू बन रहा है ना उसके ऊपर ये डालती है ऐसे ग्रेट करके, फिर उसका ग्रेवी निकलता है, फिर बहुत टेस्टी होता है एक्चुअली। तो नानीमा का दोस्त आ गए यहाँ पर, दूसरा नानीमा, और दोनों बातें बातें करके बैठ रहे हैं। नानीमा बोल रहे एक्चुअली ये मैंने मामा जी के लिए टी शर्ट ले गया था ना, नानीमा को ये कलर पसंद आया, ये देखो देखो। अभी नानीमा का आलू बन गया है, रेडी पक गया है। और गाइस नानीमा के यहाँ पर मुझे मिला चिवड़ा, ये क्या, हम तो यहाँ पर चिवड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं देखो इसको, ये चावल का कुटा मतलब चावल को पीट के ऐसे बनाया है। भाई भाई आलू के साथ खाएंगे, आलू के ऊपर ऐसे डालेंगे चिवड़ा, देखो चिवड़ा एंड आलू। तरतर काटेको आलुमा नि उयो झोलक्या तरतर परेको सानो हुन्छ नि त्यसो मन पर्छ हौ। त्यो दिन आमाले यसो भने, ए भाइले कुनि के जाति माछा किनेको दिन हौ, के जाति कुनि के भन्यो कुरा पनि बुझ्दिन। सो गाइस नानीमा नि आज आलु बहुत मस्त बनाए है, तो आलु और चिउरा और थोड़ा सा राइस भी खाना हो। एकटा थैंक यू भाइयो, देखो गाइस राइस के साथ खाना हो अभी। सो गाइस चलो अभी नानीमा के घर से मतलब बहुत ही टेस्टी खाना खा के आया, एंड अभी मम्मी जी बना रहे डिनर, मम्मी जी बना रहे डिनर, डिनर में आज आलू, देखो आलू, माँ भी आलू बना रही, बेटी भी आलू बना रही है, देखो आलू मेरा फेवरेट है। मैंने तो नानीमा के घर में खाना खा के आया, आज थोड़ा ही खाऊंगा मम्मी, ठीक है थोड़ा ही, थोड़ा मतलब इतना। आलू क्या बनेगा, आलू दम, आलू दम बनाऊ इस रोटी, और ये है टिम्बुर, इसका चटनी बनेगा टिम्बुर। टिम्बुर एक्चुअली सेजवान है, इसमें मतलब बहुत ही अच्छा टेक्सचर फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो चटनी में मतलब आज सेजवान पेपर चटनी बनने वाला है ना मम्मी। तो डैडी जी भी अभी अभी आ गया दुकान से, आज बहुत ज़्यादा दुकान में बिजनेस अच्छा चला गया, बहुत लेट आ गया आज, लेट नहीं पूरा काम काम, चार पाँच दिन दुकान बंद हो गया, साफ सफाई करना पड़ेगा। इधर का सामान क्या डैडी जी, ये मम्मी जी का दुकान में क्या है सामान, ओ पीला वाला दाल, ये दादा देखो वो नमक भी ला, ये नमक खाते गाइस, हमारा पूरा विलेज के लोग ये खाते हैं। आपके वहाँ पर क्या खाते हैं प्लीज कमेंट करके बताना, कौन सा वाला नमक खाते हैं। हम तो अपने विलेज में एवरीडे आयोडीन सॉल्ट, रिफाइंड एवरीडे आयोडीन सॉल्ट ये खाते हैं। आप लोग वहाँ पर कौन सा वाला नमक खाते प्लीज कमेंट करके बता देना। तो चलो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, तो खत्म करने से पहले एक आलू तो बनता है गाइस, क्योंकि ना गाइस ये जो बॉइल्ड पोटैटो है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए दर्शन ब्लॉग्स, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, बाय बाय गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।